बहुत हो गई है खड़क क्रिया। अब दिखाता हूँ कि खड़क युद्ध क्या होता है। इसे बालक समझना भूल थी मेरी। गुरु और सूर्यदेव ये नीचे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इन मायावियों से पीछा तो अब आपकी परिक्रमा करने से ही छूटेगा। धन्यवाद गुरुवर। पुष्कर, मैं आ रहा हूं। गिर गए बालक, यदि चोट लग गई हो तो विलाप मत करना, योद्धा हो ना तुम। पुष्कर से अश्व छीनने चले थे, अब यदि साहस है तो उठो और दिखाओ अश्व को ले जाकर। किंतु अश्व है कहाँ? अश्व? अश्व गया कहाँ? पुत्र, कुशल योद्धा तो तुम हो, किंतु क्रोध और उतावलापन पराजय के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो बालक कहकर तुम्हें उकसाता रहा और तुम अहंकारवश अश्व को भूलकर उसे परास्त करने में लगे रहे और तुम अश्व खो बैठे। कुमार, उतावलापन योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम मेरे पुत्र के समान हो पुष्कर, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं।
युद्ध में शक्ति के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। ध्यान सदैव लक्ष्य पर हो, संयम और विवेक के साथ युद्ध करो। विजय श्री सदैव तुम्हारा आलिंगन करेगी। दो बार मेरे सामने से वो अश्व ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? शत्रुघ्न और पुष्कर, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। ताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को। रुक जाओ पुष्कर, अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौटाया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है, इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं। आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांति पूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रास्ता आया है, मात्र ढोंग। चलो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। पुष्कल प्रतिवत्सल श्री कपीशा,
संकट का करी पूर्व आभासा, निश्चय की कपि जो कछु होई, होने अमंगल देंगे न कोई। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भविष्य का जो भी मुझे दिखाई दिया उसे सत्य नहीं होने दूंगा मैं, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर पुष्कल का भविष्य परिवर्तित कराना पड़े तो वो भी कराऊंगा मैं। प्रभु को पुष्कल की सुरक्षा का वचन दिया है मैंने। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। हठी पुष्कल अवश्य युद्ध करेगा। कल के युद्ध में पुष्कल को एक क्षण के लिए भी अपनी अभिरक्षा से बाहर नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी मूल्य पर पुष्कल को कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकता। तो आ ही गया ये वानर मेरे मायावी स्वप्न के प्रभाव में। बहुत शक्तिशाली है ये, किंतु इस भावी घटना का पूर्वालोकन कर मैंने इसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। अब कल इसका ध्यान युद्ध में पूर्णतः लग ही नहीं पाएगा। प्रभु, महाराज सुबाहु और उनके पुत्र युद्ध चाहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुबाहु पुत्र दमन शक्तिशाली तो है ही, बहुत हठी भी है। उसके भाई विचित्र ने मायावी शक्तियों और शस्त्रों को सिद्ध कर रखा है। ये दोनों मिलकर हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए भैया, मुझे सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उनकी सहायता के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, हनुमान से अधिक शक्तिशाली कौन होगा इस संसार में? जिसके साथ हनुमान हो उसका तो अहित कोई कर ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कल के युद्ध में हनुमान के शंखनाद से ही शत्रु कंपित हो उठेंगे। शंखनाद से कंपन उत्पन्न कर रहा है ये। मेरे वीर योद्धाओं, इस शंखनाद से भले ही ये धराई लुटे किंतु तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा साहस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उन्हें भयभीत कर देगी। हमारी संख्या देखकर उनका साहस टूट जाएगा और हमारी भीषण रणभेरियां उन्हें कंपित कर देंगी। रणभेरिया आरंभ हो।
तो हमें फंसाने के लिए इन्होंने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। कोई भी व्यूह उनके काम नहीं आएगा। कल मुझे दो बार छला था उन्होंने, उसका पूर्ण प्रतिशोध लूंगा मैं आज। अवश्य प्रतिशोध लेना पुष्कल, किंतु ये उतावलापन उचित नहीं है। हमें सुनियोजित योजना के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। समय नहीं है उसके लिए काकाश्री। मैं अपनी सैन्य टुकड़ी को तीर की नोक के आकार में आगे ले जाऊंगा। बाण शिराकार सैन्य रचना से भेद दूंगा मैं उनके व्यूह को। चित्रांग, मेरे पुत्र, उस बालक की दुर्बलता उसका उतावलापन है। जैसे ही वो आगे आए, तुम्हें वो करना है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशय समझ गए ना? उन्हें आने तो दीजिए पिताश्री, शीघ्र ही वे स्वयं को मृत्यु व्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। सैनिकों, तीर की नोक का आकार बना के आगे बढ़ो। पुष्कल तो बिना परिणाम का विचार किए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तो ये संकट में पड़ जाएगा। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल का उतावलापन इसे संकट में डाले, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा, और इसे रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये हनुमान जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुशल मंगल की ही भांति कहीं महाराज सुबाहु और उनके पुत्रों को भी निकुंभ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो मुझे इन्हें सत्य से परिचित कराना होगा। महाराज सुबाहु, आपका परिवार और आप प्रभु विष्णु देव के महान भक्त हैं, तब कैसे आप प्रभु श्री राम के अश्व को रोक सकते हैं? उनके ध्वज की अवमानना कैसे कर सकते हैं आप? उस राम की तुलना प्रभु विष्णु देव से मत करो वानर। महाराज सुबाहु, जो भक्ति भाव आपकी पहचान है, जिसके कारण आपके राज्य में सुख एवं समृद्धि है, उससे आप भला कैसे दूर हो गए? कैसे आप उस राक्षसी सोच से ग्रस्त हो गए हैं जो आपको पतन के मार्ग पर ले जा रही है? तुम्हारी ध्वजा का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति से तुम भयभीत हो चुके हो, और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास तो मैं युद्ध टालने के लिए ही कर रहा हूं। पुष्कल को संकट से बचाना है मुझे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इस बार तुम मेरी राक्षसी सोच के विकार से इन्हें मुक्त नहीं कर पाओगे मरकट। मैंने इन्हें घोर मायावी शक्ति से ग्रसित किया हुआ है, और मात्र सुबाहु ही नहीं, उसके पुत्र, उसकी संपूर्ण सेना
सब मेरी माया से विकार ग्रस्त हो चुके हैं। अब इन्हें विकार मुक्त करना सहज नहीं होगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। होनी को कौन टाल सकता है? मुझे विश्वास है कि युद्ध के पश्चात इस चक्रांका नगरी के राजभवन पर एवं नगर के हर घर द्वार पर राम राज का प्रतीक ये ध्वज अवश्य लहराएगा। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो हमारे युद्ध व्यू में प्रवेश करके दिखाओ। आगे बढ़ो सैनिकों। कहीं इस युद्ध का परिणाम विपरीत न हो, पुष्कर की सुरक्षा के लिए मुझे उसके निकट रहना होगा। विरोधी को सदैव संवाद से समझाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी संदर्भ में युद्ध का विकल्प अंतिम होना चाहिए।